हाँ आरती का दीदार आपका सीधा NH 24/7 एक्सक्लूसिव फुटेज है। हमारा कैमरा सरयू नदी के तट पर लगा हुआ, आरती का लाभ उठाते हैं। कई विदेशी और देसी पर्यटक भी हैं जो यहाँ पर इस सरयू आरती को देखने और आरती करने आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन्हीं में से एक है हमारे साथ जो लोग बैठे हुए, पुणे महाराष्ट्र से आया, महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र से है सुरेखा औसेकर। हम एक साल से देख रहे हैं मोदी जी ने जो ये काम किया है वो बहुत खुशी लग रही थी। कब आने का, ये 6 महीने हमारा प्रयत्न चालू था, पर लेकिन आज का जो मुहूर्त है बहुत बढ़िया मुहूर्त है, लास्ट का है आरती का, बहुत हम खुश है। सबके लोगों को हम सबको खुशी बांटते हैं, सबको हेल्थ, सब लोगों को आनंद ही रहना चाहिए, ये सरयू नदी की हमारी प्रार्थना है। आपका नाम? अनिल विश्वनाथ औसेकर, बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट एट पुणे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके अयोध्या में, जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है? इतना अच्छा लग रहा है कि मोदी जी और योगी जी, इनका जो नेतृत्व मिला इंडिया को आगे जाने के लिए, उसका ये सौभाग्य है। नहीं तो कितने बार अयोध्या आते थे और जाते थे लेकिन कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब आए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो स्वर्ग है यहाँ पर, और जब बन जाएगा तो और भी सुंदर हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। और हमारे साथ कुछ और भी जो यात्री हैं जो यहाँ आए हुए हैं, पुणे से ही हैं, और कुछ भक्तगण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राधिका मोडक। कैसा लगा आपको अयोध्या में, जिस तरह से काम चल रहा है? बहुत बहुत ही बढ़िया है, ऐसे लग रहा है कि वापस राम राज्य आने वाला है और आया है आधा, तो अभी अब थोड़ा हो जाएगा। और आप अभी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही आप हो लिए, दर्शन कर लिए, तो इसकी कोई विशेष वजह? अभी तो होना बाकी है प्राण प्रतिष्ठा, फिर रामलला को भी देख पाते आप आते बाद में? तो बाद में तो आना ही है, बाद में आना ही है, लेकिन अभी जो किया हुआ है संपत राय जी ने के सबको शांति मिले और जो कार्य चालू किया है वो निर्विघ्न पार पड़े, इसलिए जो किया हुआ है इसके लिए हम लोग होम हवन के लिए आए हुए पुणे से। कैसा लग रहा है आपको?